निशान हटा देगा। जो लोग ममता जी के पीछे बार करेगा वो लोगों को हम लोग देख लेगा। सबसे बड़ी बात है ममता दी के साथ हम पूरा जनता है, ममता दी के साथ हम पूरा हिंदू है, ममता दी के साथ पूरा हम मुसलमान है, ममता दी के साथ हम लोग पूरा सिख कम्युनिटी है, ममता दी के साथ पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ममता दी के साथ पूरा ईसाई कम्युनिटी है। और सबसे बड़ी बात ममता दी ऐसी नेत्री है जो अभी भी हम लोगों के साथ खाना खाता है, पीता है, सोता है, जागता है और हम लोगों का दुख अपने अंदर से महसूस करता है। और इसलिए ममता जी अपने पीछे जीवन का जो दुख लेके वो इतनी एक निडी परिवार से बिलोंग किया, आप लोग अभी उसका घर देख सकते हैं। वो एक कालीघाट में एक जो स्लम एरिया है ना, जहाँ पे टाली का चौल है, वहाँ पे वो छोटी उम्र गुजरा और अभी भी वो वहाँ पे ही रहते हैं। हमारा पीएम तो बोलता है लोग ना कि चाय वाला पीएम है। हाँ, ये सम्मान की बात है कि हमारी इतनी बड़ी देश में चाय वाला भी पीएम होता है, लेकिन आप लोगों को ये जानना चाहिए हमारा जो सीएम है वो छोटी उम्र में जब उसका पापा का देहांत हो गया तब वो 16 साल की किशोरी था, बच्ची था, उस टाइम अपनी इतनी बड़ी परिवार का पेट चलाने के लिए वो दूध बेचता था। अब सोचिए हमारी सीएम भी दूध बेचने वाली था, ये हमारा प्राइड का बात है कि नहीं है? हमारी सीएम भी कोई अंबानी अदानी अमीर घर से नहीं आया है, एक बहुत निडी परिवार से आया है, लेकिन अपना जीवन का दुख भूला नहीं। वो देखिए उसका मन था कि मेरा पापा का देहांत हो गया चिकित्सा ना मिलने की वजह से, लेकिन पश्चिम बंगाल का किसी का बेटी का बाप बिना चिकित्सा ने ना मर जाए, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य साथी प्रकल्प ले आया जिसका बीमा का मूल्य